ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाया तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मी से सम प्रेयर्स फॉर लॉर्ड राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपादे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यनन्दे चिदात्मनि इति रामापदेनासौ परं ब्रह्मा विधीयते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा। ओके थैंक यू फॉर हाँ जॉइनिंग। वी आर रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9th चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभुज ट्रेवल्स टू द होली प्लेसेस। तो ये उनकी दक्षिण भारत की यात्रा है। जब वो साउथ में गए थे तो वो जगह जगह गए और आपको पता होगा साउथ में बहुत सारा तरह तरह के डिवोटीज होते थे। उस टाइम वैष्णविज्म इतना नहीं था एंड दे वर मोर लाइक लॉर्ड राम एंड सीता के डिवोटीज। सो ही केम अक्रॉस सम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड राम। तो उनके बारे में कुछ ठीक पढ़ेंगे ठीक है। सो लेट्स यहाँ से शुरू करते हैं। 9 से लेके 37 तक पढ़ेंगे। ये एक फास्ट टाइम है फिर दूसरा शुरू होता है। दूसरा लंबा है तो ये थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं ठीक है। वी कैन इवन रीड लाइक 10 10 वर्सेस एट अ टाइम। सो लाइक आई विल रीड 10 यू ईच रीड 10 ऐसे करके ठीक है ताकि खत्म थोड़ा आगे जा सके। तो मैं 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ सबको। आप लोगों को साथ में ही रीड करना है ताकि हमें दो दो बार फॉलो ना करना हो। रीड फॉलो लेट्स डू इट टुगेदर। मैं म्यूट कर देती हूँ आप म्यूट पे रिसाइट कर लो ताकि इट साउंड्स गुड। हाँ ठीक है फिर जब भी सब जिसकी टर्न आएगी वो व्यक्ति अनम्यूट रहेगा बाकी सब म्यूट हो जाएंगे ऐसे करते हैं। ठीक तो इसकी ट्यून आपको याद होगी। दक्षिणा देशेरा लोका अनेका प्रकार केहा ज्ञानी केहा कर्मी पाषंडी अपार। In South India, there were many types of people. Some were philosophical speculators and some were fruitive workers. But in any case, there were innumerable non-devotees. तो वही दक्षिण भारत में तरह तरह के दक्षिण देश में तरह तरह के लोग थे अनेक तरह के। कुछ फिलोसफिकल स्पेक्युलेटर्स थे कुछ कर्मी लोग थे और बहुत सारे तरह के नॉन डिवोटीज अभक्त लोग अपार थे। पाषंडी लोग जो होते हैं वो अपार थे बहुत थे। सही सबा लोका प्रभुरा दर्शना प्रभावे निज निज मता छाड़ी हाइला वैष्णवे। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल दीज पीपल अबैंडन्ड देयर ओन ओपिनियंस एंड बिकेम वैष्णवास डिवोटीज ऑफ कृष्ण। तो ये सभी जो अभक्त लोग थे कर्मी लोग थे तरह तरह की फिलोसफीज मानते थे ये सब लोग वैष्णवास बनने लगे महाप्रभु के कॉन्टेक्ट में आने से। क्योंकि महाप्रभु भगवान है ना तो बहुत उनकी पावर है पोटेंसी है। जैसे प्रभुपाद के कांटेक्ट में आने से लोग भक्त बनने लगे थे ऐसे महाप्रभु तो और भी मतलब उनकी पोटेंसी और भी ज्यादा है ना। इस भगवान हिमसेल्फ वैष्णवेरा मध्ये रामा उपासका सबा केहा तत्ववादी केहा हाया श्री वैष्णवा।
At the time, all the South Indian Vaishnavas were worshippers of Lord Ramachandra. Some were Tattvavadis and some were followers of Ramanujacharya. तो जो वैष्णवास भी थे वो लॉर्ड रामचंद्र के भक्त थे, राम भक्त थे, है ना, विच इज फाइन. डिफरेंट मूड ऑफ वर्शिप, है ना, अलग तरह के मूड था उन लोगों का. और या फिर श्री वैष्णव थे. रामानुजाचार्य की लाइन का मतलब है कि वो श्री वैष्णव हो गए, या लॉर्ड रामचंद्र को मानते थे साउथ के वैष्णव, या वो श्री वैष्णव थे. ठीक है. सही सबा वैष्णवा महाप्रभु रा दर्शने कृष्णा उपास का है ला लाया कृष्ण नामे. आफ्टर मीटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल दोज डिफरेंट वैष्णवास बिकेम डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड बिगेन चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र. तो वही कि महाप्रभु के कांटेक्ट में आने से चलो कर्मी और अभक्त लोग तो बदले ही बदले. इवन जो दूसरे तरह के वैष्णव थे, जो श्री वैष्णव या राम भक्त, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगे. तो ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे दूसरे वैष्णवस को कुछ कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं है. लेकिन कई लोग अपने जो पैथ है उसमें बहुत फर्मली सिचुएटेड नहीं होते हैं ना, अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते. कहने को ही बस राम भक्त होते हैं या कहने को ही श्री वैष्णव हैं, बट उसमें अच्छे से डीप नहीं गए हुए उस नॉलेज में, उस भक्ति में, उस पैथ में. किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया हुआ या सुपरफिशियली फॉलो कर रहे होते हैं. तो जब महाप्रभु उनको ये, महाप्रभु तो कृष्णा है, तो कृष्णा भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है, वी नो दैट. तो ये हाईएस्ट मूड है, जो कॉन्जुगल माधुर्य भाव का मूड है ना, परकीय भाव का, विप्रलंबा भाव का, ये सबसे हाईएस्ट मूड है. तो जब ये मूड महाप्रभु ने दिया तो वो लोगों को, डिफरेंट वैष्णवास को भी वो बहुत अच्छा लगा, अपील किया. तो वो लोग भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगे महाप्रभु के कॉन्टेक्ट में आने से. ठीक है. तो महाप्रभु ये गाते थे, बहुत ही आपने सुना होगा, काफी फेमस है. राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम कृष्ण केशव रक्षा माम. ओ लॉर्ड रामचंद्र डिसेंडेंट ऑफ महाराज रघु, राघव नाम उनका है, रघुवंशी है वो. क्योंकि रघु कौन है, रामचंद्र के कैसे लगते हैं, रिलेटिव को बता सकता है कैसे, जो रघु है महाराज रघु, उनका क्या रिलेशनशिप है भगवान राम से. माता जी, ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर दशरथ या महाराज ग्रैंडफादर, तो लॉर्ड रामचंद्र के ग्रेट ग्रैंडफादर. सो महाराज दशरथ के पिता थे अजय, अजा, अजय, अजय, अजा, अजय अजा के पिता रघु दिलीप, नहीं, ऑफ अजा विदिंग थे, उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर. सो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अजा के पिता दिलीप, दिलीप के पिता रघु. सो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड राम के. सो ऐसे हैं काफी, मतलब उनकी, लेकिन वंश में आते हैं, उनकी डायनेस्टी में आते हैं, इसलिए उनको राघव बोलते हैं. तो बोल रहे हैं काइंडली प्रोटेक्ट मी. पाही माम का मतलब प्रोटेक्ट मी, और रक्षा माम का भी मतलब प्रोटेक्ट मी. और केशव नाम है क्योंकि कृष्णा ने केशी डीमन को मारा था, इसलिए उनका नाम केशव है. एक मतलब केशव का होता है जिनके बहुत सुंदर बाल हैं, केश, जिनके बिल्कुल काले घुंघराले सुंदर सॉफ्ट बाल होते हैं, उसको उस वजह से भी उनका नाम केशव बोलते हैं. या फिर केशी डीमन के किलर हैं इसलिए भी बोलते हैं. तो ये गाना महाप्रभु बहुत गाते थे जब वो साउथ इंडियन यात्रा कर रहे थे. ऐ श्लोका पटे पड़ी करेला प्रयाण गौतमी गंगाया जाई कैला गंगा स्नान. वाइल वॉकिंग ऑन द रोड श्री चैतन्य महाप्रभु यूज टू चैंट दिस राम राघव मंत्रा. चैंटिंग इन दिस वे ही अराइव्ड एट द बैंक्स ऑफ द गौतमी गंगा एंड टुक हिज बैथ देयर. तो वो ऐसे चैंट करते करते, ये मंत्र जाप करते करते गौतमी गंगा पहुंचे और वहां पे उन्होंने स्नान लिया. मल्लिका अर्जुन तीर्थे जाए महेशा देखीला ताहा सब लोके कृष्णा नाम लायो आयला. श्री चैतन्य महाप्रभु देन वेंट टू मल्लिका अर्जुन तीर्थ एंड सॉ द डेटी ऑफ लॉर्ड शिवा देयर. ही ऑल्सो इंड्यूस्ड ऑल द पीपल टू चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र. सो बेसिकली जो उनकी दक्षिण यात्रा है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ पिलग्रिमेज, जैसे हम लोग जाते हैं ना धाम यात्रा पे जाते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, वो तो है ही. महाप्रभु धाम यात्रा की इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं कि कैसे हमें धाम पे जाना चाहिए, अलग अलग टेम्पल्स विजिट करने चाहिए, धामवास करना चाहिए, डिवोटीज के घर पे रहना चाहिए, डिवोटीज का संग, साधु संग लेना चाहिए, वो तो दिखा ही रहे हैं. बट ऑल्सो महाप्रभु के लिए प्रीचिंग मिशन भी था. जैसे कि प्रभुपाद गए यूएस वहां पे लोगों को चेंज करने के लिए, कि ये निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, पाश्चात्य देश को तारणे निर्विशेषा शून्यवादी से निकालने के लिए.
ये शून्यवादी लोग रहते हैं वेस्ट में। इसी तरीके से महाप्रभु ये धामवास और धाम यात्रा तो है ही, बट इट इज ऑल्सो तीर्थ यात्रा के अलावा इट इज ऑल्सो प्रीचिंग मिशन फॉर हिम। सो दैट्स व्हाई ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। और जो भी लोग, चाहे वो अभक्त हैं, चाहे वो कर्मी हैं, चाहे वो एथिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे संप्रदाय के वैष्णव हैं, सबको वो हरे कृष्णा महामंत्र दे रहे हैं फ्रीली। ठीक है, इवन लोगों को छोड़ो, रास्ते में तो उन्होंने, जब वो झारखंड ऊपर की तरफ जा रहे थे वृंदावन की तरफ, तो उन्होंने जानवरों को और पक्षियों को भी हरे कृष्णा महामंत्र पे नचा दिया था। सो इज वेरी मर्सीफुल लाइक दैट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, इज दिस स्पेस ओके? है ना, इसमें कुछ ऐसा समझने का तो खास है नहीं, है ना? ओके, तो यस माता जी, मैं 10 तक पढ़ूंगी, आई विल रीड टिल 19। ठीक है, बस दो चार और पढ़ूंगी, फिर कोई और पढ़े आगे। रामदासा महादेवे करीला दर्शन, अहो बला नरसिंह मेरे करीला गमन। देयर ही सॉ लॉर्ड महादेव, रामदास महादेवे, ये देखने के, महादेव को रामदास बोला गया यहाँ पे, रामदास महादेव के दर्शन किए। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि वो रामदास हैं। लोग कई बार ऐसे बोलते हैं रामेश्वरम का मतलब है कि जो राम के ईश्वर हैं, तो ये बात अक्सर क्लैरिफाई की जाती है, जो राम के ईश्वर नहीं है, राम जिनके ईश्वर हैं। तो जैसे हम बोलते हैं गोपेश्वर महादेव, ऐसा नहीं कि वो गोपियों के ईश्वर हैं, गोपी जिनकी ईश्वर हैं वो महादेव। तो इसलिए गोपेश्वर और रामेश्वर का मतलब क्या होता है कि जो गोपियों के ईश्वर हैं वो गोपेश्वर महादेव, गोपी जिनकी ईश्वर हैं। रामेश्वर का मतलब है राम जिनके ईश्वर हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि महादेव इज रामदास। और महादेव को ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं राम का दास हूँ, वो बोलते हैं कि मैं राम का नाम का भजन करता हूँ सारा टाइम, है ना? तो वो क्या बोलते हैं महादेव, ऐसे बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि वो भगवान, वो मदर पार्वती को, उमा को बोलते हैं, उमा कहूँ अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव, अपने अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सारा जगत सपना है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सो वो तो खुद बोलते हैं कि मैं राम का दास हूँ और हरि का भजन करता हूँ। तो जब उन्होंने रामदास महादेव के दर्शन किए, उसके बाद ही वेंट टू विजिट अहोबिला नरसिम्हा। ठीक है, अहोबिला नरसिम्हा हम अगले मंथ में ग्लोरीफाई करेंगे जब नरसिंह देव की बात करेंगे। नरसिम्हा देखिया तान रे कैला नाती स्तुति, सिद्ध वटा गेला जहां मूर्ति सीतापति। अपॉन सीइंग द अहोबिला नरसिम्हा डेटी, चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड मेनी प्रेयर्स अन टू द लॉर्ड। ये अहोबिला नरसिम्हा को उन्होंने, अहोबिला नरसिम्हा जाना बहुत मुश्किल है, वो काफी डिफिकल्ट होती है वो यात्रा, अहोबिला नरसिम्हा के दर्शन। पर उसके बाद वो कहाँ गए, फिर वो गए सिद्धवट। सिद्धवट में उनको रामचंद्र की ड्यूटी दिखी। अब देखो, रामचंद्र के लिए बोला गया है सीतापति, जो सीता के पति हैं। सो साथ में डायरेक्टली अक्सर आप देखोगे कि जो भगवान के रिलेशनशिप्स होते हैं उस तरीके से नाम दिए जाते हैं, कि अगर महादेव के बारे में बोलना है तो रामदास बोला जाएगा, अगर भगवान राम के बारे में बोलना है तो सीतापति बोला जाएगा, अगर कृष्णा के बारे में बोला जाएगा तो राधा गोपी जन वल्लभ या राधा नाथ या गोपीनाथ, है ना, ऐसे बोला जाएगा, गोविंदा, लाइक दैट डिफरेंट नेम्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनका नाम अपने किसी रिलेशनशिप के साथ यूज किया जाता है, रादर देन जस्ट सेइंग रामचंद्र, यू से सीतापति, दैट्स मोर एंडियरिंग टू लॉर्ड राम। सो कृष्णदास कविराज नोज दैट मूड। ऐसे ही, इसीलिए ही भगवद गीता में भी अक्सर ऐसे ही यूज किया जाता है कि अर्जुन के लिए कौंतेय या भरत, क्योंकि हम उनके रिलेशनशिप से उनको एड्रेस करते हैं, क्योंकि जब हमारा बहुत प्यारा रिलेशनशिप है किसी के साथ तो वी लाइक टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट रिलेशनशिप। ठीक है, आगे फिर क्या, तो उनको लॉर्ड रामचंद्र की ड्यूटी देखने गए। रघुनाथ देखी कैला प्रणति सी स्तवन, तहा एका विप्रा प्रभुरा कैला निमंत्रण। अब ये पहले डिवोटी की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इनको पहला एक डिवोटी मिलेगा, देखते हैं क्या है वो डिवोटी। अपॉन सीइंग द डीटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, रघुनाथ को देखा, द डिसेंडेंट ऑफ किंग रघु, द लॉर्ड ऑफर्ड हिज प्रेयर्स एंड ओबेसेंसेस। देन अ ब्राह्मणा इनवाइटेड द लॉर्ड टू टेक लंच। तो वहां पे एक ब्राह्मण उनको मिला, प्रभुरा कैला निमंत्रण, उसने उनको लंच के लिए निमंत्रण, एक विप्र ने उनको लंच के लिए बुलाया। ठीक है, मैं ये लास्ट वर्ड्स पढ़ रही हूँ। सेई विप्रा रामा नामा निरंतर लाया, रामा रामा बिना अन्या वाणी ना कहया। ये विप्रा जो था, ये ब्राह्मण जो था, ये राम भक्त था। ठीक है, दैट ब्राह्मण कॉन्स्टेंटली चैंटेड द होली नेम ऑफ रामचंद्र। इंडीड, बट फॉर चैंटिंग लॉर्ड रामचंद्र होली नेम, दैट ब्राह्मण डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। वो बस राम नाम का ही नाम जप करता था, राम 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 कंटिन्यूअसली।
लॉर्ड राम्स नेम्स, और उसको कुछ नहीं आता था और कोई वर्ड नहीं बोलता था। इस तरीके से ये विप्रा मतलब ब्राह्मण, ये विप्रा राम नाम निरंतर लया, निरंतर लेता। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या होता है फिर देखते हैं। यस माता जी, पूनम। लेकिन माता जी मैं फिर हिंदी में पढ़ती हूँ। हाँ कोई बात, यहाँ पे तो सबको हिंदी आती है। सही दिन तार घरे रही भिक्षा करी, तारे कृपा करी आगे चले ला गौर हरी। उस दिन भगवान चैतन्य वहीं रहे और उसके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उस ब्राह्मण पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए। ठीक है, वो उन्होंने वहां पे प्रसाद लिया और आगे चले गए। ठीक है। तो एक रात रहे हैं, सिर्फ एक रात रहे हैं, सिर्फ एक रात। अभी अब सुनो क्या होगा। स्कंद क्षेत्र तीर्थे कैले स्कंदन दर्शन, त्रिमठ आई लता देखी त्रिविक्रमा। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वे श्रीमठ गए और उन्होंने विष्णु की अर्चा विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया। तो ये तो बस ऐसे ही है, वो आगे आगे जा रहे हैं। वो उस ब्राह्मण के घर, उनको एक ब्राह्मण मिला जो राम भक्त है, उसके घर एक दिन रहे। अभी वो ब्राह्मण उनको दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो दिखा रहे हैं कि महाप्रभु घूम रहे हैं आगे, अपना धाम यात्रा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। उनके दर्शन होते जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन करते हुए। पुनः हाँ यस। सिद्धवत आइला सेहि विप्र घरे, सेहि विप्र कृष्ण नाम लय निरंतरे। त्रिविक्रम मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवत लौटकर आए। वहां वे पुनः उसी ब्राह्मण के घर गए जो अब निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हरि बोल, करते। हरि बोल। तो हरे कृष्णा रक्षिता माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माता जी, हम हरे ना कृष्ण। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 9 में से दो पास्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भगवान राम के दो भक्तों के बारे में है। ठीक है, बहुत ही मधुर पास्ट टाइम्स है, बहुत ही स्वीट। जैसे उस दिन हमने वो पढ़ी थी ना, मृगारी की लीला थी, कितनी मधुर थी, कितनी स्वीट थी ना, मेलोडियस थी, ऐसे ये भी है। ठीक है, तो हम ना 10 10 वर्सेस पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, थोड़ा फास्ट पेस पे पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी हैं, तो इसलिए दो पास्ट टाइम्स कवर करने हैं अबाउट 1 1 1.25 घंटे में। तो श्योर माता जी। ओके अभी तक माता जी ये हुआ है कि महाप्रभु दक्षिण यात्रा पे हैं, और वो साउथ में हम बता रहे थे कि बहुत से राम भक्त होते हैं, तो वो जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। महादेव के टेम्पल गए, एक जगह लॉर्ड रामचंद्र की ड्यूटी देखी। वहां पे लॉर्ड रामचंद्र के टेम्पल में उनको एक राम भक्त मिला, ब्राह्मण, जो निरंतर भगवान राम का नाम लेता था। वो राम 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 बस ऐसे ही बोलता था, कुछ और बोलता ही नहीं था। उसने महाप्रभु को अपने घर लंच पे बुलाया, और महाप्रभु ने उसके घर प्रसाद ग्रहण किया और वहीं रात में रहे, और रात के बाद अगले दिन अपना आगे चले गए तीर्थ यात्रा पे। फिर वापस वो जैसे जैसे घूम के ऐसे आ रहे थे, तो वापस वो सेम जगह पे रुके, सिद्धवट नाम की जगह पे टेम्पल था, वहां पे वापस आए। वहां उनको वो ब्राह्मण फिर से मिला। नाउ दैट ब्राह्मण वाज चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, तो हम इसलिए बोल कर रहे थे कि वो हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहा था। अभी आपको इस बात को बहुत ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी राम भक्त को ऐसा नहीं कि कन्वर्ट करके हरे कृष्णा महामंत्र सिखाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप देखोगे दोनों पास्ट टाइम्स कॉन्ट्रास्टिंग है। ठीक है, इसमें तो वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है, दूसरे में देखना क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आप डोंट जस्ट, ये तो भगवान की लीला है, ऐसा नहीं कि हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि हमें भी हर किसी को हरे कृष्णा महामंत्र जरूरी, भाई वो बोलना ही बोलना है, ऐसा नहीं। हनुमान जी नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, राइट? वो तो राम राम जय श्री राम ही बोलेंगे, तो हर किसी का मूड अलग है। इस ये ब्राह्मण लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र बोलने लगा। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। भिक्षा करी महाप्रभु तारे प्रश्न कैल, कह विप्र ए तोमार कोन दशा हैला। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर, मुझे अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बताओ। तो वो कह रहे हैं कि अब ये क्या हो गया, वो उनको हाँ, छेड़ेंगे, महाप्रभु ना उनको टीज करेंगे कि ये क्या अब पूर्वे पूर्वे तुम निरंतर लेते राम नाम, एवे के ने निरंतर लाओ कृष्ण नाम। भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे और अब तुम कृष्ण नाम का निरंतर जप क्यों करते हो? तो उसको टीज कर रहे हैं कि पहले तो भगवान राम का ही नाम लेते थे कॉन्स्टेंटली। तो रक्षिता माता जी, पूनम माता जी ना हिंदी वाले में से रीड कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप, हमने इंग्लिश वाली खोली हुई है स्क्रीन पे, माता जी ओके को भी मत लगती है, बट हमको सबको हिंदी आती है, तो इट शुड बी फाइन, है ना। श्योर मत।
तो उसको टीज करेंगे, अब क्यों कृष्णा का नाम लेते हो। हाँ विप्र बले एई तोमार दर्शन प्रभावे, तोमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभावे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को भी छोड़ दिया। जीवन दर्शन लेता था, लेकिन भगवान है ना ये महाप्रभु, महाप्रभु इज नॉन अदर देन कृष्णा। अब आप समझे कि क्यों सबको पता चल जाता था कि ये तो कृष्णा ही है, क्योंकि कृष्णा ही ऐसा अपना नाम का इतना स्ट्रॉन्ग वो किसी को दे सकते हैं कि राम भजन करने वाले को कृष्णा भजन करवा दिया, है ना। बाल्यावधि राम नाम ग्रहण आमारा, तोमा देखी कृष्ण नाम आइल एक बारा। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र के नाम का कीर्तन करता रहा हूँ, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया। सेई है ते कृष्ण नाम जिह्वा ते वसेला, कृष्ण नाम इसुरे ना राम नाम दूर गेला। तब से मेरी जिह्वा पर कृष्ण का पावन नाम ही बैठ गया, क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूँ, अतः भगवान रामचंद्र का नाम दूर भाग गया। तो ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो गया, एक दिन उसने सुना होगा, उनका प्योर भजन होगा। सोचो महाप्रभु जब भजन करते होंगे उसके घर में। तो मैं इसके बारे में आपको एक दो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देती हूँ, ये आप अपने जीवन में भी लोगों ने देखा, इवन इस्कॉन डिवोटीज ने देखा है, उल्टा भी होता है। जैसे कि एक बार एक डिवोटी बता रहे थे किसी के, मैंने सुना था कि कह रहे थे अपने सीनियर को कि पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ दिनों से राम राम का भजन करने लगा, मुझे बड़ी अट्रैक्शन हो रही है, मैं राम राम का भजन करता हूँ। तो मैंने ना बैठ के सोचा कि क्या डिफरेंट हो रहा है, तो मुझे समझ आया कि जो मेरी वाइफ है वो पिछले कई दिनों से राम कथा सुन रही है, एक प्योर डिवोटी, एक प्योर रामानंदी साधु की। वो रोज वो लगाती है, वो खाना बनाते टाइम, लॉन्ड्री करते टाइम, है ना, डिफरेंट डिशेस करते टाइम, सारा टाइम हमारे घर में वो एक रामानंदी साधु की राम कथा चलती है। तो मुझे समझ आया कि मुझे उसकी वजह से राम नाम के लिए इतनी अट्रैक्शन होगी कि मैं राम राम का भजन करता हूँ। तो आप सोच के देखो कि कैसे, मतलब ऐसे फर्क पड़ता है, अगर आप किसी प्योर डिवोटी का सुन लो भजन या कथा या कीर्तन, तो इट यू नो चेंजेस योर कॉन्शियसनेस, सो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। तो जो हरे कृष्णा डिवोटी स्टार्टेड चैंटिंग लॉर्ड राम्स नेम्स लाइक दैट, उल्टा भी होता है, क्योंकि हमारा अपना कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है ना, तो किसी बहुत ज्यादा प्योर कॉन्शियसनेस का अगर हमें मिल जाए तो हमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से एक बार एक डिवोटी इस्कॉन के बता रहे थे कि एक साधु हैं, एक जो बाबा जी वेश वाले, जो राधा कुंड पे बैठ के भजन करते हैं, तो सोचो 3 लाख नेम या मोर लेते होंगे। तो उनको एक दिन, मैं जैसे राधा कुंड गया, मेरे पास बाइक थी, उन्होंने मुझे बोला, वैसे 90 वर्ष के भी ऊपर है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वृंदावन तक राइड दे सकते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो मेरे आधे 30-40 मिनट्स का रास्ता है राधा कुंड से वृंदावन, तो वो मेरे बाइक पे पीछे बैठ गए और पकड़ के बैठे थे अच्छे से टाइटली, है ना, क्योंकि वो इतने बूढ़े हैं, ऐसे टाइटली पकड़ के, और वो बिल्कुल ऐसे पास में से चिपक के बैठे हैं ना, और वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं और ये उनके कानों में पड़ रहा है। कहते आई कैन नॉट टेल यू, फॉर द नेक्स्ट लाइक 2 वीक्स ऐसे मेरा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप हो रहा था। दोनों ही हरे कृष्णा ही कहीं जप करते हैं, लेकिन इतना प्योर जप हो रहा था, इतना स्मूथ जप हो रहा था, कोई कंफ्यूजन, कोई माइंड में कोई इधर उधर की थॉट्स नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह माला चल रही थी। कहते कि क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब हो गई ना, उनका प्योर हरे नाम इनके कानों में पड़ता रहा 30-40 मिनट्स तक, और वो बिल्कुल कॉन्शियसनेस उनकी मेंटेन रही फॉर लाइक 2 वीक्स। तो धीरे धीरे वो इफेक्ट चला गया, क्योंकि हमारे बहुत मटेरियल कंटेमिनेशन रहती है ना दुनिया भर की, वो इफेक्ट धीरे धीरे चला गया। लेकिन कहते 2 हफ्ते पूरा ऐसे भजन हो रहा था, हरे कृष्णा भजन बढ़िया बिल्कुल माला हो रही थी, कि अच्छी चैंटिंग, बिल्कुल परफेक्ट चैंटिंग हो रही थी एक एक नाम सुन के। सो ऐसे फर्क पड़ता है देखिए, और फिर ये तो भगवान है जो उनके घर में चैंटिंग कर रहे थे। सो दिस सो वी डोंट नीड टू थिंक कि भी हमें ऐसे कोई राम का नाम या उसमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना, अभी आएगा कंपैरिजन भी आएगा दोनों के नामों में, लेकिन हमारे लिए ये मेन बात है कि अगर कोई प्योर कॉन्शियसनेस में हम किसी का भजन सुनते हैं तो कैसे वो हमारी कॉन्शियसनेस अपनी भी चेंज हो जाती है, और हमारा भजन कैसे इम्प्रूव हो सकता है, चेंज हो जाता है से किसी प्योर डिवोटी की। इसलिए हम कहते हैं प्रभुपाद का भजन लगा के रखना चाहिए घर में, घर में जो अच्छा हमें वो चैंटिंग बॉक्स नहीं है वो चला के रखना चाहिए, तो इसलिए लोग चला के रखते हैं, या फिर कोई किसी की मृत्यु होने वाली है ना, कोई देह त्याग करने वाला है, तो फिर चैंटिंग लगा के रखनी चाहिए प्रभुपाद की। चलिए आगे चलते हैं।
बाल्यकाल हेते मोर स्वभाव एक हाय, नामेर महिमा शास्त्र करिए संचय। मैं अपने बचपन से शास्त्रों से पवित्र नाम की महिमाओं का संग्रह करता रहा हूँ। तो नाम का जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स में नाम की महिमा दी गई है ना, तो वो इकट्ठा करते थे कि किसके नाम की कितनी महिमा है, वो थोड़ा काउंट करते थे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर विप्रा या ब्राह्मण थे, इनकी टेंडेंसी थी कि किसके नाम का कितना फायदा है, ये काउंट करते थे। हम आगे देखो। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। परम सत्य राम कहलाता है क्योंकि अध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। तो ये तो आप हमारा फेमस वर्स है ना जो स्क्रिप्चर्स में आती है, कि जो जो योगी होते हैं, जो स्पिरिचुअल, जो दुनिया को भी त्याग चुके हैं, वो भी भगवान के नाम में आनंद लेते हैं। जिनको किसी भी चीज में आनंद नहीं आता, उनको भगवान के नाम में ही आनंद आता है। सिर्फ दुनिया के सारे जो टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं, वो त्याग के उनको राम नाम में ही आनंद आता है, क्योंकि राम का मतलब ही ब्लिस है ना, आनंद, आध्यात्मिक आनंद देने वाला, रिजर्वायर ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। ये ब्राह्मण बोल रहा है, ब्राह्मण अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, बता सारी चीजें बता रहा है कि दोनों में, दोनों नामों में क्या फर्क है, क्यों मैंने कृष्णा का नाम लेना शुरू कर दिया, वो ये बता रहा है। ठीक है, अब एक और पढ़ लीजिए माता जी, फिर कोई और शुरू करते। कोशिर्भुवाचकः शब्दो नश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्मा कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और ना का अर्थ आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातु, कृष धातु ना प्रत्यय से मिलकर कृष्ण ना कृष्ण बनाती है, जिसका अर्थ है परम सत्य। तो कृष कृष का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, ना का मतलब है स्पिरिचुअल ब्लिस या प्लेजर। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें ऑल अट्रैक्टिव भी है और स्पिरिचुअल प्लेजर भी है। तो दोनों चीजें आ रही है इसमें, राम में स्पिरिचुअल प्लेजर था, इसमें प्लेजर भी है एंड ऑल ब्यूटिफुली ऑल अट्रैक्टिव भी है। चलिए कोई और पढ़ेगा आप आगे, 10 वर्सेस एंड एट दिस पेस विल कीप रीडिंग। सो यू हैव टू रीड, एक्चुअली 10 नहीं पढ़नी, वी हैव टू रीड टिल 37 नेक्स्ट। I can read, Mataji. यस मैम, As far as the holy यहाँ से वर्ड्स भी अष्टोत्तर, रिसाइट करो। परम ब्रह्मा दुई नाम समा समानाह इला पुना आरा शास्त्रे कीचु विशेषा पाइला। As far as the holy name of Ram and Krishna are concerned, they are on the equal level. But for further advancement, we receive some specific information from this revealed scripture. Okay, तो ये कह so रहे they हैं इक्वल लेवल पे हैं, है ना, हाँ जी लेकिन अभी तो इसने ये बोला है कि इक्वल लेवल पे हैं। दोनों नाम परम ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा के ही दोनों नाम है, समान हाइला सेम है, इक्वल लेवल पे हैं। लेकिन फिर कुछ और शास्त्र हैं जिनमें कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है दोनों नामों के बारे में। ठीक है, हम दोनों नामों को कंपेयर करवा रहे हैं, हमको ये ब्राह्मण कह बता रहा है कि मैंने क्यों राम नाम छोड़ के कृष्णा ठीक नाम लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस क्या बताएगा। रामा रामे रामा रमेति माता जी सेम ही है इसका नहीं राम राम रामेति रमे रमे रामे रामे मनोरमे राम सहस्रा नाम भिस्तुल्यम राम रामावरानने। लॉर्ड शिवा एड्रेस्ड हिज वाइफ दुर्गा ओ वरानना आई चैंट द होली नेम ऑफ राम 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 एंड दिस एंजॉय दिस ब्यूटिफुल साउंड। दिस होली नेम ऑफ रामचंद्र इज इक्वल टू 1,000 होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये तो फेमस वर्ड्स है ना, जो पार्वती, मदर पार्वती को शिव जी बोलते हैं, वराना उनका नाम है मदर पार्वती का, उनको बोलते हैं कि ये जो राम नाम है ये भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के, जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है उसके, एक राम नाम इज तत्तुल्यम इज इक्वल टू 1,000 नेम्स ऑफ विष्णु। तो ये मैथ्स हम सीख मैथ्स सीख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमको ये मैथ्स करना है, लेकिन हम ये इस ब्राह्मण की बात सुन रहे हैं। ठीक है, महाप्रभु भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं इस ब्राह्मण की काउंटिंग, क्या काउंटिंग बता रहा है। पहले कह रहा है कि सेम है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, दोनों ही परम ब्रह्म हैं, दोनों ही विष्णु तत्व हैं, दोनों के ही नाम समान है।
लेकिन मैंने और स्क्रिप्चर्स में ढूंढा तो मैंने देखा कि शिव जी बताते हैं कि वन लॉर्ड राम्स नेम इज इक्वल टू 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। ठीक है, अब आगे देखो। सहस्रनाम नाम नाम पुण्यम त्रि आवर्त्यायु तु यत् फलम् एकावर्त्या तु कृष्णस्य नामेकं तत् प्रयच्छति। द पायस रिजल्ट डिलीवर्ड डिराइव फ्रॉम चैंटिंग द 1000 होली नेम्स ऑफ विष्णु 3 times कैन बी अटेन्ड बाय ओनली वन अटरेंस ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। सो राम राम रामेति की जगह अगर आप कृष्णा एक बार बोलोगे सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट लाइक 3 times। हाँ, सो अब वो आगे बता रहा है कि वन कृष्णा नाम इज इक्वल टू 3000 विष्णु। अगर कृष्णा वन नेम राम नाम इज इक्वल टू 1000 विष्णु नेम्स, देन वन कृष्णा नाम इज इक्वल टू 3000 विष्णु नेम्स। मतलब वन कृष्णा नाम इज इक्वल टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। तो हम जब बोलते ठीक हैं राम 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 दैट इज, और हम बोलते हैं कृष्णा दैट इज इक्वलेंट इफेक्ट। है। ठीक है, अब आगे सुनो। हाँ एई एई वाक्य कृष्णा नामे रा नहीं हाँ एई वाक्य कृष्णा नामे रा महिमा पारा तथा पीला लेते नारी सुना हेतु तारा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द शास्त्रास द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा आर अनलिमिटेड स्टिल आई कुड नॉट चैंट हिज होली नेम प्लीज हियर द रीजन फॉर दिस। ओके तो कह रहे कि इतना अपार वो है लेकिन फिर भी नहीं चैंट कर पाया। अभी बोलो, सुनो। इष्टा देव रामा इष्टा देव रामा तंत्रा नामे सुखा पाली पाई सुखा पाना रामा नामा रात्रि दीना गाई। माई वर्शिपेबल लॉर्ड हैज बीन लॉर्ड रामचंद्र एंड बाय चैंटिंग हिज होली नेम आई रिसीव्ड हैप्पीनेस बिकॉज आई रिसीव्ड सच हैप्पीनेस आई चैंटेड द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम डे एंड नाइट। ओके तो मारा दर्शने याबे कृष्णा नाम आइला ताहारा महिमा ताबे हृदय लागीला। बाय योर अपियरेंस लॉर्ड कृष्णाज होली नेम ऑल्सो अपियर एंड एट दैट टाइम द ग्लोरीज ऑफ कृष्णाज नेम अवोक इन माई हार्ट। ओके से कृष्णा तुम्हें साक्षात इहा निद्रा सॉरी निर्धारिला से ही कृष्णा तुमी साक्षात इहा निर्धारिला एता काही विप्रा प्रभु सॉरी प्रभुरा चरणे पाडीला। सर यू आर द लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ दिस इज माय कंक्लूजन। सेइंग दिस द ब्राह्मण फेल डाउन एट द लोटस फीट ऑफ श्री लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। बोल। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस मिनट को। सो बेसिकली हुआ ये है कि ये जो ब्राह्मण था ये सारे स्क्रिप्चर्स में से पूरा देखता था होली नेम की। इसने पूरी महिमा पढ़ रखी थी, समझ रखी थी किसके नाम का कितना महत्व है ना, कितना क्रेडिट मिलता है, ये सब पता था उसको। वो उसने हमको बताया है ना, हमने समझ लिया कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम होता है, राम का एक नाम और कृष्णा का एक नाम 3 times द सहस्त्र नाम है ना। लेकिन फिर भी मेरे को ये सब पता था, लेकिन मैं फिर भी राम का ही नाम का भजन करता था क्योंकि उससे मुझे हैप्पीनेस मिलती थी। लेकिन जब आपके दर्शन हुए, जब आपने मेरा साथ होली कृष्णा का होली नेम का चैंट किया, तो कृष्णा का जो नाम था वो मुझे प्रकाशित हो गया, जैसे एक तरह से रिवील हो गया या दिल में बैठ गया है ना। और उसके बाद कृष्णा की ग्लोरीज भी मेरे दिल में बैठ गई है। दैट टाइम द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा कृष्णाज नेम अवोक इन माई हार्ट। तो तब से मैं अब कृष्णा का नाम लेने लगा हूँ। तो उसको ये सब स्क्रिप्चर्स के बारे में बहुत पता था, लेकिन जब तक उसको एक प्योर वैष्णव का, एक प्योर डिवोटी का संग नहीं हुआ था, तो उसको कृष्णा नाम इनवोक नहीं हुआ था उसके दिल में, स्थापित नहीं हुआ था, सिचुएट नहीं हुआ था प्रॉपरली। पर अब वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगा है। ठीक है, तो ये तो एक पास टाइम था लॉर्ड राम से रिलेटेड, एक राम भक्त का जो कृष्णा का नाम लेने लगा है, नोइंग नॉट ओनली द ग्लोरीज ऑफ कृष्णाज नेम बट ऑल्सो आफ्टर हैविंग कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द भगवान महाप्रभु हिमसेल्फ। ठीक है, अब एक और भक्त का देखते हैं और फिर थोड़ा कंपेरिजन करेंगे दोनों में। ये जो स्टोरी है ये लंबी है, ये काफी लंबी और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है ये।
तो ये कहानी पढ़ते हैं, 178 वर्ष पे आ जाओ नीचे आप अपनी बुक में अगर देख रहे हो तो, 178। ओके यहाँ से पढ़ते हैं तो कोई पढ़ेगा यहाँ से? यू हैव टू रीड अबाउट फॉर दक्षिणामत यस माधव। मथुरा आइला कामा कुश्ती हाइते तहां देखे हाइका हाइला एका ब्राह्मण सहिते व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु अराइव एट सदन मथुरा फ्रॉम काम कोष्टी ही मेट अब्राह्मणा। तो अब महाप्रभु अपनी सदन यात्रा पे हैं और वो गए हैं दक्षिण मथुरा। इसका क्या मतलब हुआ दक्षिण मथुरा? तो मथुरा तो नॉर्थ में ही है ना, सो दक्षिण मथुरा है मदुरई। मदुरई को बोलते हैं दक्षिण की मथुरा, सदन मथुरा को, ठीक है। तो जब वो ऐसे पहले क्या था, इससे पहले चतुर्मास का सारा सीजन था, तो वो बहुत देर तक किसी के घर में रह रहे थे। एक डिवोटी है श्री वेंकट भट्ट, उनके घर में रह रहे थे चतुर्मास के टाइम। नाउ ही इज गोइंग कंटिन्यूइंग फर्दर ऑन हिज जर्नी एंड ही रीच मदुरई। ओके वहां पे उनको अब एक ब्राह्मण मिले। यस मैम। सेवी विप्र महाप्रभु के कैला निमंत्रण रामा भक्त सेई विप्र विराक्त महाजाना द ब्राह्मणा हु मेट श्री चैतन्य महाप्रभु इनवाइटेड द लॉर्ड टू हिज होम द ब्राह्मणा वाज ग्रेट डिवोटी एंड अथॉरिटी ऑन लॉर्ड श्री रामचंद्र ही वाज ऑलवेज डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। तो उस डिवोटी ने भी, जैसे उसने बुलाया था, इसने भी बुलाया भगवान को अपने घर, ठीक है, महाप्रभु को अपने घर। और ये भी भगवान रामचंद्र का डिवोटी है एंड एन अथॉरिटी। हाँ, और ये विरक्त महाजन, ये विरक्त है, ये वैराग्य प्रधान डिवोटी है। माता जी मैंने सिर्फ अथॉरिटी एंड रामचंद्र मतलब क्या कि बहुत नॉलेज है उनके पास टाइम्स के बारे में, है उनके बारे में अथॉरिटी, मतलब अच्छे से ज्ञानवान है उनके बारे में। कृतमालाया स्थानकरी आइला तांद्रा घरे भिक्षा की दिवेना विप्र पाका नहीं कारे। After bathing in river Kritmala, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Brahmana's house to take lunch. But he saw that the food was unprepared because Brahmana had not cooked it. ये बड़ी फेमस बात है। आप सोचो आपको किसी ने घर पे खाने को बुलाया हो और वहां जाओ और खाना बना ही नहीं हुआ, और आप गए थे भूखे पेट के, यहाँ पे खाना खाना है और वहां पे खाना ही नहीं बना हुआ, तो वो देखते हैं कि ब्राह्मण ने खाना ही नहीं बनाया है, ये क्यों? तो कई बार तो हम पोलाइटली वेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आए नहीं खाना, दे ही नहीं रहे खाना। भूख ऐसे हो रहे कि खाना क्यों नहीं दे रहे। हाँ आगे चलिए। महाप्रभु कहे तांद्रे सुना महाशय मद मध्या मध्याहन हैला के ने पाका नहीं आय। सीइंग दिस श्री चैतन्य महाप्रभु सेड माय डियर सर प्लीज टेल मी व्हाई यू हैव नॉट कुक्ड इट इज ऑलरेडी नून। तो महाप्रभु का तो बड़ा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल था ना, सन्यासी है ना, कि इतने से इतनी देर तक भजन करेंगे, फिर इतने बजे खाना खाएंगे, है ना, तो नून पे खा लेना चाहिए था उनको, और उन्होंने बुलाया था खाने पे, अभी तक नून हो गया है, अभी तक आपने खाना, उन्होंने देखा कि खाना बना भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि अभी दे ही नहीं रहे, बना ही नहीं हुआ खाना, तो फिर उन्होंने पूछ ही लिया, जैसे हम लोग तो शर्माए हैं ना काफी देर की, भाई क्या पूछे इनसे, इन्होंने पूछ लिया कि व्हाई हैव यू नॉट कुक्ड, इट्स ऑलरेडी नून। विप्र कहे प्रभु मोरा अरन अरन्य अरण्य वसति, वसति अरण्य वसति पाके रा सामग्री वाने न मिले संप्रति। द ब्राह्मण रिप्लाइड माय डियर लॉर्ड वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर टाइम बीइंग वी कैन नॉट गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग। हाँ तो फॉरेस्ट में इसको ना ऐसे भी गा सकते हैं, बहुत बहुत फेमस वर्स है, इसको ऐसे गा सकते हो। विप्रा कहे प्रभु मोरा अरण्य वसति पाकेरा सामग्री वाने ना मिले संप्राति। अरण्य अरण्य में कहाँ जाएंगे, तो ये तो सिटी है ना,
ये तो टाउन है, ये जंगल में कहाँ पहुंच गया? बिकॉज इज थिंकिंग कि मैं अरण्य कांड में हूँ वाल्मीकि के, ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में है, तो ये ही सुन लीला ऑफ लॉर्ड राम, तो कह रहे हैं कि प्रभु मोरा अरण्य वसति, कि हम मेरे प्रभु जंगल में रह रहे हैं, हम लोग जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई खाना बनाने की सामग्री है ही नहीं, कुछ है ही नहीं खाने को, क्या कैसे बनाऊंगा मैं खाना, तो कुछ सामग्री है ही नहीं क्योंकि मेरे प्रभु तो जंगल में रह रहे हैं। हाँ आगे। वान्य सखा फाला मूला अनीबे लक्ष्मण ताबे सीता करीबे ना पाक प्रयोजन। When Lakshmana brings all the vegetables, fruits, and roots from the forest, Sita will do the necessary cooking. तो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण लेके आएंगे कुछ फ्रूट्स एंड रूट्स, तभी तो माँ सीता खाना बनाएंगी ना, अभी लक्ष्मण लाए नहीं है। वन्य शाखा फला मूला आनी बे लक्ष्मण, सो फल वो खाते थे ना, शाख फल मूल, तो तब सीता खाना बनाएंगी, देन शी विल डू द, तब सीता करीबे पाका प्रयोजन, है ना, तब वो खाना बनाएंगी, अभी तो लाए नहीं कुछ। तन्र उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हाइला अस्ते व्यस्ते से विप्र राधा दान करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी सेटिस्फाइड टू हियर अबाउट ब्रह्मणा'स मेथड ऑफ वर्शिप। फाइनली ब्रह्मणा हेस्टिली मेड अरेंजमेंट्स फॉर कुकिंग। सो हम लोगों को ये बात समझ आनी मुश्किल है, हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की हियरिंग या एब्जॉर्प्शन इन द पास्ट टाइम्स इज नॉट लाइक दिस, हमारा नाम भजन इज नॉट शुद्ध, सो वी कैन नॉट इमेजिन दिस टाइप ऑफ वर्शिप, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, कि जिसमें वो इतने इस समाधि में है कि वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाए। तो जब जो बहुत महान संत लोग होते हैं, जब वो इतना उनका इतनी उनका जो श्रवण होता है, उनकी हियरिंग जब वो कथा सुनते हैं, इतना उग्र इतना अग्रेसिव होता है कि वो आंख बंद करके भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे नाम भजन भी उनका इतना शुद्ध होता है कि वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि लीला इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, राइट, एंड सो विद देयर स्पिरिचुअल बॉडी दे एंटर इन टू द पास्ट टाइम, सो ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द पास्ट टाइम, एंड टू सच अ पर्सन इफ यू आस्क व्हाट इज गोइंग ऑन, ही विल ओनली डिस्क्राइब द लीला टू यू। तो वो ये बता रहे हैं कि अरण्य में जंगल में क्या हो रहा है, जंगल में अभी मदर सीता ने खाना भी बनाया नहीं है क्योंकि लक्ष्मण लेने गए हैं कुछ, पर महाप्रभु बहुत समझ गए कि ये व्यक्ति अभी समाधि में है, ये व्यक्ति कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है इन द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड, और लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसे दो सबने मिलके हेल्प किया, एंड ही मेड सम अरेंजमेंट, जो थोड़ा बहुत कुछ था उससे खाना बना लिया कुछ। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रभु भिक्षा कैला दीने रात्रि त्रि प्रहारी निर्विन्ना सेई विप्र उपवास करे। श्री चैतन्य महाप्रभु टुक हिज लंच एट अबाउट 3 o'clock बट ब्राह्मणा बीइंग वेरी सोरोफुल फास्टेड। तो महाप्रभु को 12 बजे खाना खाना होता है, वो 3 बजे खाया जाके उन्होंने, 3 घंटे बाद किसी तरीके से कुछ बना के, एंड जो विप्रा था वो तो अभी भी पूरी समाधि में है, तो मेरे प्रभु कुछ नहीं खा रहे, भगवान राम लक्ष्मण सीता कुछ नहीं खा रहे, तो उन्होंने तो फास्ट किया, तो ये सौरोफुल है ना, करुण्य भाव में सौरोफुल बिल्कुल, एंड ही फास्टेड, सो तो फास्ट कर रहे अपने भगवान के साथ। प्रभु काहे विप्र काने करा उपवास केने एता दुख दुख केने करा हताशा। वाल ब्रह्मणा वाज फास्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु एक्स्ड हिम व्हाई आर यू फास्टिंग व्हाई आर यू सो अनहैप्पी व्हाई आर यू सो वरिड। विप्र काहे जीवन भूरा नाही प्रयोजन अग्नि जले प्रवेशिया छड़ी बा जीवन। द ब्राह्मणा रिप्लाइड आई हैव नो रीजन टू लिव आई शिल गिव अप माई लाइफ बाय एंटरिंग ईदर फायर और वाटर। तो वो बहुत दुखी है, अभी वो बताएगा कि मैं क्यों दुखी हूँ, महाप्रभु पूछ रहे कि दुखी क्यों हो इतने, है ना, इतने सोरोफुल क्यों हो, इतने फास्ट क्यों कर रहे हो, दुखी क्यों, वरिड क्यों हो, अनहैप्पी क्यों हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं मेरा आई हैव नो रीजन टू लिव, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं कर करके अपनी लाइफ एंड कर लूंगा, क्यों, अब वो बताएगा क्यों।
जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी राक्षसे स्पर्शिला तान रे ये काने सुनी। माय डियर सर, मदर सीता इज द मदर ऑफ आई लॉस्ट इट, वन सेकेंड। माय डियर सर, मदर सीता इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स एंड सुप्रीम गॉडेस ऑफ फॉर्चून। She has been touched by the demon Ravana, and I am troubled upon hearing this news. कि मदर सीता की जो जो वो महालक्ष्मी हैं सीता ठाकुरानी, और उनकी देह पे उनके तन को किसी राक्षस ने स्पर्श किया है, ये सुन के मैं बहुत ज्यादा सॉरोफुल हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपसेट हूँ, इसलिए इतना दुखी हूँ, कुछ खा नहीं रहा और फास्ट करूंगा। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हेल्प करे मदर सीता की, और उसको ये बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि किसी और किसी राक्षस ने कैसे टच किया मदर सीता को। चलिए कोई पढ़ेगा अब आगे? Anybody else wants to? आई कैन रीड माता जी, बट आप भी पढ़ सकते हैं माता जी। 10 चलिए मैं पढ़ती हूँ अगला। हाँ थोड़े से। ए शरीर धरी बारे कबू न युयाया, ए दुखे ज्वले देहा प्राणा नहीं जाया। सर, ड्यू टू माई अनहैप्पीनेस आई कैन नॉट कंटिन्यू लिविंग, ऑल दो माई बॉडी इज बर्निंग माई लाइफ इज नॉट लिविंग। कि इतना इतना कष्ट हो रहा है ये न्यूज सुन के कि मदर सीता को ये राक्षस ले गया है और उसने उसको स्पर्श किया है, ये सुन के मेरी बॉडी इज बर्निंग बट माई लाइफ इज नॉट लिविंग। लाइक ही इज इमेजिन द प्रेम द अटैचमेंट ही हैज फॉर लॉर्ड राम एंड सीता, कि वो ये इतनी फुल एब्जॉर्प्शन में इन दिस पास्ट टाइम, तो कह रही कि मेरे प्राण जा क्यों नहीं रहे। प्रभु कहे ए भावना ना करी हार, पंडिता हा ना केने ना करा हा विचार। अब जो महाप्रभु है वो अपना जो वैसे तो वो डिवोट यू नो हाईएस्ट मोड ऑफ डिवोटी में है ना, विप्रलंबा भाव में वो खुद है, लेकिन वो अब निमाय पंडित की तरह बात करेंगे। तो क्या बोलते हैं महाप्रभु? रिप्लाइड, प्लीज डू नॉट थिंक दिस वे एनी लॉन्गर, यू आर अ लर्नेड पंडित, वाई डोंट यू कंसिडर द केस। कि वो उसको शास्त्र समझाएंगे। ईश्वरा प्रेयसी सीता चिदानंदा मूर्ति, प्राकृता इंद्रिय रा तन रे देखी तेना ही शक्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, सो सुनिए। महाप्रभु कंटिन्यूड, सीता देवी द डियर मोस्ट वाइफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड रामचंद्र सर्टेनली हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म फुल ऑफ ब्लिस। नो वन कैन सी हर विद मटेरियल आईज, फॉर नो मटेरियलिस्ट हैज सच पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये फिलोसफी फिलोसॉफिकल पॉइंट है। माय पंडित उसको उससे फिलोसॉफिकल, जैसे कोई एकदम वो हो जाए तो हम कैसे उसको सिखाएंगे ना, उसको लॉजिक से ठीक करेंगे, तो लॉजिक सिखा रहे हैं महाप्रभु उसको, है ना। वो प्रेम के आवेश में है, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब वेव्स ऑफ लव में, एब्स ऑफ लव में फ्लो कर रहा है, कि उसको कैसे बचाएं उसके लिए लॉजिक दे रहे हैं महाप्रभु उसको। क्या लॉजिक दे रहे हैं? कि जो सीता देवी है शी हैज स्पिरिचुअल बॉडी, शी हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म जो आनंद की बनी हुई है ना, प्रेम आनंद की बनी हुई है, स्पिरिचुअल फॉर्म है उनकी, स्पिरिचुअल बॉडी है। उसको कोई अपनी मटेरियल आइज से देख भी नहीं सकता, छूने की तो बात अलग। कोई कर्मी व्यक्ति, कोई राक्षस व्यक्ति, कोई डीमन, कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, राक्षस तो छोड़ो, कोई नॉन डिवोटी, कोई अभक्त हो, कोई एथिस्ट हो, कोई कोई लो लेवल का डिवोटी हो, कोई साधना भक्त हो, है ना, हम लोग जैसे हम हैं मद है ना, हम जैसे डीमन नहीं भी है लेकिन हम लो लेवल के डिवोटी हैं, न्यू फाइट कनिष्ठ अधिकारी, हम लोग भी माँ सीता को देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात छोड़ो। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो राक्षस ने मदर सीता को हाथ लगाया होगा? तो वो उसको लॉजिक समझा रहे हैं, जैसे कि राधा रानी है ना, या कृष्णा है, लोग बोलते हैं कि ओ आप वहां पे जाओ तो उनकी लीला देख के आप वो हो जाओगे, यू विल लूज योर माइंड। तो उस बात को आचार्य रिफ्यूट करते हैं कि आप उनकी लीला को अपनी मटेरियलिस्टिक आईज से देख नहीं सकते। सो दैट पॉइंट दैट यू विल लूज योर माइंड इफ यू गो टू वृंदावन एंड सी देयर लीला, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट द सिद्धांत, बिकॉज योर मटीरियल आईज डू नॉट हैव द पावर टू सी देयर लॉर्डशिप्स। तो हम उनको सिर्फ डीटी की फॉर्म में ही अभी अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, उनकी एक्चुअल बॉडी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सो वो उनको ये सिद्धांत सिखा रहे हैं महाप्रभु। स्पर्शी बारा कार्या अचूका ना पाया दर्शन, सीता रा आकृति माया हरीला रावण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू से नथिंग ऑफ टचिंग मदर सीता, अ पर्सन विद मटीरियल सेंसेस कैन नॉट इवन सी हर। व्हेन रावण किडनैप्ड हर, ही किडनैप्ड ओनली हर मटीरियल इल्यूजरी फॉर्म।
उन्होंने सिर्फ छाया सीता को किडनैप किया था। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस पॉइंट मेनी टाइम्स कि सीता रा आकृति, सिर्फ आकृति मात्र को, सिर्फ उनकी माया सीता या छाया सीता को हर के लेके गया है रावण। रावण का इतना बुद्धू बनाया है भगवान ने कि क्या बताएं, कि उसको उनको देखना तो दूर, मतलब छूना तो दूर, उनको वो देख भी नहीं सकता। और वो जिस सीता को लेके गया है वो छाया सीता है ना। एक्चुअल सीता वॉज वेयर, देयर वॉज एक्चुअल सीता, शी वॉज सिटिंग विद शिवा एंड पार्वती डूइंग राम भजन, सो शी इज वेरी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। और उनको वहां पे कौन लेके गए हैं, अग्निदेव है ना। अग्निदेव हैज टेकन मदर सीता टू स्टे विद शिवा एंड पार्वती, शी इज लिविंग अंडर उमा, विद नॉट अंडर, विद उमा देवी। सो दिस इज छाया सीता, मटीरियल सेंसेस कैन नॉट सी हर, कैन नॉट टच हर, ही इज किडनैप्ड ओनली अ मटीरियल इल्यूजरी फॉर्म, दिस इज ऑल लीला ऑफ द लॉर्ड। तो वो उसको समझा रहे कि ये सिर्फ भगवान की लीला है, ये नॉर्मल हमारे जैसे लोगों को लेसन सिखाने के लिए ये बनाई बनाई गई है एक लीला। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान अपनी कॉन्सॉर्ट को रावण के पास जाने देंगे, 1 साल तक वो वहां पे बैठेंगे, ऐसा थोड़ी ना। रावणा सीते सीता अंतर्धान कैला, रावणेरा आगे माया सीता पठाइला। As soon as Ravan arrived before Sita, she disappeared. Then just to cheat Ravan, she sent an illusory material form. ठीक है, material form ये छाया सीता आई है पे। अप्राकृता वस्तु नहे प्राकृता गोचर, वेदे पुराने ते एई कहे निरंतर। स्पिरिचुअल सब्सटेंस इज नेवर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मटीरियल कंसेप्शन। तो अप्राकृत और प्राकृत ये दो वर्ड्स आपको समझने चाहिए। हम लोग क्या हैं? अप्राकृत है ना, हम मतलब नहीं, नॉट हम लोग, बट हमारी बॉडी एंड सेंसेस क्या है, मटेरियल है, मैटर की बनी हुई है, अपरा है, अपरा शक्ति है ना। भगवान 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में बताते हैं ना अपरा एंड परा शक्ति क्या होती है। अपरा शक्ति है मटेरियल बॉडी, भगवान की मटेरियल एनर्जी है ना, इंफीरियर एनर्जी है। और परा शक्ति होती है जो हम है, स्पिरिट सोल है, जो भगवान है, भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं ना, दे आर स्पिरिचुअल सब्सटेंस। सो स्पिरिचुअल सब्सटेंस इज नेवर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मटेरियल कंसेप्शन, दिस इज ऑलवेज द वर्डिक्ट ऑफ वेदास एंड पुराणास। तो वेदा पुराण सब बोलते हैं, तो मदर सीता जो है वो हमेशा क्या है, पराशक्ति है, वो हमेशा भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो कभी किसी अपराशक्ति के मतलब मटेरियल एनर्जी के कंट्रोल में नहीं आ सकती। और रावण क्या है, मटेरियल एनर्जी है। विश्वासा करा तुम्हीं आमारा वचन, महाप्रभु उसको उसको सिखा रहे कि मेरी बात मानो। विश्वासा करा तुम्हीं आमारा वचने, पुनरपि कुभावना न करहि मने। श्री चैतन्य महाप्रभु देन एश्योर्ड द ब्राह्मण, हैव फेथ इन माय वर्ड्स, डू नॉट बर्डन योर माइंड एनी लॉन्गर विद दिस मिसकंसेप्शन। उसको सिखा रहे हैं कि ये चीज छोड़ दो, ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो, माँ सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता। हैव फेथ इन माय वर्ड्स, मेरी बात पे विश्वास करो। प्रभु रा वचने विप्रेरा हाइला विश्वासा, भोजन करीला हाइला जीवने रा आशा। Although the Brahmin was fasting, he had faith in the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu and accepted food. In this way, his life was saved. तो वो माँ सीता के शोक में इतना व्याकुल हो गया था, इतना ज्यादा बिविल्डर हो गया था कि वो अपनी देह त्याग करने वाला था, वो फास्टिंग कर रहा था, वो बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा था और सोच रहा था कि अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊं। इतना ज्यादा जुल्म, इतना सितम हो गया है मदर सीता के ऊपर कि किसी इम्प्योर व्यक्ति ने उनको हाथ लगाया है। लेकिन जब महाप्रभु ने उसको ऐसे सांत्वना दी, सो ही वाज ही एक्सेप्टेड फूड एंड इन दिस वे हिज लाइफ वाज सेव्ड, वो महाप्रभु की बात मान गया। ठीक है, मैं बस ये दो और पढ़ती हूँ, फिर समबडी एल्स टेक इट अप। तान्रे आश्वास्तिया प्रभु करिला गमन, कृत्ता मालया स्नाना करी आइला दुर्वासन। आफ्टर दस एश्योरिंग द ब्राह्मण, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रोसीडेड फर्दर इन टू सदर्न इंडिया एंड फाइनली अराइव्ड एट दुर्वासन वेर ही बेथ्ड इन द रिवर कृतमाला। तो ये एक एपिसोड हुआ है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। एट दुर्वासन, अभी मैं इसको सिर्फ यही पढ़ रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। श्री चैतन्य महाप्रभु विजिटेड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामचंद्र एंड ऑन द हिल नोन एज महेंद्र शैला ही सॉ लॉर्ड परशुराम। तो अब ये पहुंचे हैं महेंद्र शैला, शैला जहाँ पे परशुराम के दर्शन हुए उनको, और लॉर्ड रामचंद्र का टेम्पल भी था वहां पे, वहां पहुंच गए हैं। तो अब अभी उसके घर में ये इंसिडेंस हुआ। ठीक है, ये पास टाइम सबको समझ आ गया ना, ये दूसरे ब्राह्मण का पास टाइम जो फास्टिंग करने बैठा था, जिसने उनको भी खाना नहीं खिला रहा था ना खुद खा रहा था, और पूरा एब्जॉर्ब था इन द पास टाइम ऑफ अरण्य कांड है ना, कि कैसे रावण आया और सीता को ले गया, और इस बात का बहुत शोक था, बहुत व्याकुल था उस बात से।
तो महाप्रभु ने उसको सांत्वना दी, उसने खाना खा लिया, महाप्रभु ने भी कुछ ना कुछ खाना फिर खा लिया 3 बजे। ओके फिर महाप्रभु अपने आगे यात्रा पे चल पड़े। ओके लेट्स रीड नेक्स्ट। यस माता जी आप पढ़ें पूर्णमा। सेतु वंदे आसी केल धनुष तीर्थे स्नाना रामेश्वरम देखी ताहा करिल विश्रामा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतु बंध रामेश्वर आए, जहाँ उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से वे रामेश्वर मंदिर देखने गए और फिर विश्राम किया। ठीक है, रामेश्वर पहुंचे सेतु बंध पे, वहां पे वहां के टेंपल में गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। विप्रसभा शुने ताहा कूर्मा पुराणा तार मध्ये आईला पतिव्रता उपाख्याना। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के संग में कूर्म पुराण सुना, जिसमें पतिव्रता स्त्री की कथा का आख्यान है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात बहुत से लेक्चर्स में और बहुत जगहों पे कोट की जाती है, ठीक है, कि अब क्या होगा कि कूर्म पुराण मिला है उनको। कूर्म पुराण को सुन रहे हैं महाप्रभु, ठीक है, कुछ डिवोटीज के संग में कूर्म पुराण सुन रहे हैं। उस कूर्म पुराण में पतिव्रता स्त्री का उपाख्यान है। पतिव्रता स्त्री कौन है? मदर सीता, सीता देवी की नरेशन है। तो सीता देवी की नरेशन को ही रामायण बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान राम के लिए है, कि राम रामायण की रामायण है ये रामायण, लेकिन भगवान राम बोलते हैं कि ये रामायण है, ये रमा की कथा है। तो ये मदर सीता की कहानी है, नॉट राम की कहानी। तो कहीं बहुत से पुराणस में इसको मदर सीता की कहानी कहा जाता है, बिकॉज इट इज रामायण। सो इट इज कूर्म पुराण में वो मदर सीता की कहानी सुन रहे हैं, रामायण रामायण सुन रहे हैं, चेस्ट वुमेन्स पतिव्रता स्त्री स्त्री की। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगते र माता सीता रामे र गृहिणी। श्रीमती सीता देवी तीनों लोकों की माता तथा भगवान रामचंद्र की पत्नी है। वे पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। ठीक है, ये तो उनकी क्वालिटीज हैं। रावण देखिया सीता लैल अग्नि र शरण रावण हैते अग्नि कैल सीता के आवरण। जब रावण माता सीता का हरण करने आया तो और उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अग्नि देवता की शरण ग्रहण ली। अग्नि देव ने माता सीता के शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हो सकी। तो ये यही बात हम कह रहे थे ना कि अग्निदेव ने उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया था आगे, और तो वो तो उनको देख भी नहीं पाया था। जिस सीता के साथ उनकी सारी डीलिंग हुई थी कि भिक्षाम देही, है ना, भिक्षाम देही, वो सब कहाँ पे हुआ था? छाया सीता के साथ। माता सीता माया सीता रावण नीला सुनीला आख्याने सुनी महाप्रभु है आनंदित मने। पूर्व पुराण में यह सुनकर कि किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। अब महाप्रभु सोच रहे हैं कि यही सारी कहानी मैं उसको सुना के आया हूँ उस ब्राह्मण को, है ना। सोचो ये कहाँ से, मदुरई से रामेश्वरम, अबाउट अगर आप गूगल पे देखो 180 किलोमीटर का रास्ता है महाप्रभु चल के आए हैं यहाँ से, यहाँ रामेश्वर तक, यहाँ पे कूर्म पुराण सुन रहे हैं। और उस डिवोटी को याद करें जिनको उन्होंने यही कथा सुनाई है, अब उनको शास्त्र में से एविडेंस मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है, वही कहानी उनको सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से वो फॉल्स सीता, माया सीता को किडनैप करके लेके गया था रावण। तो महाप्रभु बिकेम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने उनको आनंदिता मने, उनके मन में बहुत आनंद आ गया कि मैं सही कहानी सुना के आया हूँ उस ब्राह्मण को। सीता लत्रा राखी लेना पार्वती रस्थाने माया सीता दिया अग्नि वंचेला रावणे। अग्नि देव वास्तविक सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। आशी यवे रावणे मारीला अग्नि परीक्षा देते यवे सीता रे आनेला। जब भगवान रामचंद्र ने रावण को मार डाला तब उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। तो छाया सीता थी, तो भगवान राम किसी पराई स्त्री की तरफ देखते भी नहीं, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में वो जब आता है वो सीन कि व्हेन दैट छाया सीता वाज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम, ही विल नॉट इवन लुक एट हर, एंड हियर वी अंडरस्टैंड व्हाई ही, इट्स नॉट दैट ही वाज यू नो वरीड अबाउट हर चैस्टिटी, इट्स जस्ट दैट इट्स अ पराई स्त्री, है ना। सो ही सेड कि सो शी सेड, एक्चुअली नॉट इवन ही, शी सेड कि मुझे फायर में एंटर करना है, एंटर करके आई वुड डू द अग्नि परीक्षा, तो ताकि वो फिर से एक्सचेंज हो सके, ताकि द रियल सीता कैन कम बैक।
तवे मम सीता अग्नि करी अंतर ध्याना, सत्य सीता आनी देल राम विद्यमान। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माया सीता लाई गई तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रगट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान की। सुनेत्रा प्रभुर आनंदित हैल माना, रामदास विप्रेर कहता हाय लय स्मरणा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहानी सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामदास विप्र के शब्द याद आए। अच्छा एक बात बताइए, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट, अग्नि की से क्यों ट्रांसफर हो रही है वो? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अग्नि में जा, अग्नि उनको लेके गए वहां से, अब अग्नि से ही वो वापिस आई, ऐसा क्यों? तो अग्नि को वाहन कहा जाता है, ठीक है? अग्नि इज अ वाहन, अग्नि मतलब कि अग्नि ट्रांसमिट करती है चीजों को। जैसे जब यज्ञ में अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो वो हमारे जिस डीटी डेमी गॉड को आप प्लीज करे उसके पास जाती है ना। जैसे अगर आप विष्णु के लिए कर रहे हो यज्ञ पुरुष, तो अग्नि में जो आप डाल रहे हो वो उस पर्टिकुलर डेमी गॉड के पास जाती है। तो अग्नि एक वाहन होता है, ठीक है? अग्नि से चीजें ट्रांसमिट या ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है? तो यज्ञ का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आप मानते हैं राइट, कि अग्नि में चीजें डालते हैं आहुति वो जाती है, वो सैक्रिफाइस उस पर्टिकुलर डेमी गॉड को मिलता है। अब हम जब खाना बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, जब हम खाना बनाते हैं तो अग्नि यूज होती है खाना बनाने में। जब अग्नि यूज होती है खाना बनाने में, इसीलिए इट इज सेड कि जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है वो खाने में जाती है। इसलिए जो खाना बनाता है उसकी कॉन्शियसनेस अग्नि के थ्रू ट्रांसमिट होती है उस खाने में, ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, इसीलिए डिवोटीज जो है वो किसी और के बना हुआ खाना नहीं खाते और बोलते हैं कि चैंटिंग करो पहले। जैसे अभी अभी हम ये बनाएंगे खाना राम नवमी पे, तो आई एम गोइंग टू सेंड आउट अ मैसेज दैट मेक श्योर यूर चैंटिंग 1 or 2 rounds बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग द फूड, ठीक है? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस ट्रांसमिट होगी और वो खाना फिर हम कितने 100 150 लोग खाएंगे उस दिन, राइट? इसी तरीके से हमारे घर में भी हम बोलते हैं कि आप सिर्फ प्रसाद खिलाओ, बना के अग्नि पे बना हुआ खाना प्रसाद खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप हरि नाम का जप करते हो, मान लीजिए आपके स्पाउस नहीं करते तो उनको वो कॉन्शियसनेस ट्रांसमिट हो रही है बिकॉज अग्निदेव इज इन्वॉल्व, ठीक है? अगर कभी किसी दूसरे लोगों से खाना लेना हो तो कहते हैं कि बिना कुक्ड वाला ले लो, जैसे कि कोई फ्रूट्स ले लो, नट्स ले लो, ऐसी सी चीजें ले लो जो अग्नि के, जिसमें अग्नि वाहन ना हो। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरीके के कामी व्यक्ति ने, लस्टी एंग्री किस तरीके के पुरुष ने, कैसे व्यक्ति ने खाना बनाया हो, है ना? कितनी कितनी स्त्रियों के साथ उसका सहवास हो, क्या करता हो, वो हमें कुछ नहीं पता। सोचो ऐसा व्यक्ति का बने हुआ खाना आप खा रहे हो तो आपकी क्या कॉन्शियसनेस होगी। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं ना बाहर खाना, या फिर अगर हम खाते हैं तो फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के खाते हैं कि प्लीज प्योरीफाई दिस फूड फॉर अस, या फिर हम यू नो अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग रखते हैं। बट दीज आर द रीजंस क्यों हमारा हरी नाम का जप इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि हम अपने बॉडी में ये इम्प्योर कॉन्शियसनेस को ट्रांसमिट करते हैं। अग्नि इज अ वाहन, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए अग्नि इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट मदर सीता टू एंड बैक एंड फोर्थ, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है और पहली बार सुना है इसको। हाँ यस माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बाहर जाते हैं खाना खाते हैं तो ये बात याद रखना चाहिए कि किसकी कॉन्शियसनेस हमें ट्रांसमिट हो रही है, वी डोंट नो। सो वी हैव टू कीप आवर हरि भजन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू मिनिमाइज जो भी हम कर जितना भी कर सकते हैं मिनिमाइज। यही सब सिद्धांत सुनी प्रभुर आनंद हैला, ब्राह्मण स्थाने मांगे से ही पत्र नीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्व प्राण पुराण से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना तो उन्हें अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण की अनुमति से पूर्व पुराण के इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। तो अब उन्होंने सोचा कि ये कुर्म पुराण में तो लिखा हुआ है, अब वो ब्राह्मण पता नहीं मेरी बात वैसे तो मान गया था उस टाइम, पर वो फिर से वापस उसी मूड में ना चला गया हो, तो मैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट को लेके जाता हूँ। उन्होंने उन ब्राह्मण जिनके साथ वो रीड कर रहे थे ये कुर्म पुराण, उनकी परमिशन ली कि क्या मैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट लेके जा सकता हूँ, कुर्म पुराण के कुछ पेज लेके जा सकता हूँ ताकि मैं उस ब्राह्मण को दिखा सकूं। तो महाप्रभु का लुक एट हिज कंपैशन हिज मर्सी, इज थिंकिंग अबाउट लाइक वन डिवोटी दैट ही वॉन्ट्स टू यू नो ही वॉन्ट्स हिम टू फील गुड। सो उसको लेके वो पूरा 180 किलोमीटर वापस पैदल चल के वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसको दिखाएंगे कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मदर सीता रियल नहीं थी, ये छाया सीता या माया सीता थी, है ना? ये दिखाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी परमिशन ले रहे हैं कि मैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट लेके जाता हूँ। ये एक और पढ़ लीजिए माता जी फिर। नूतन पत्र लेखात्रा पुस्तक के देव याइला।
प्रतीति लागी पुरातन पत्र मागे नेला। चूंकि कूर्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतः उसकी पांडुलिपि भी अत्यंत प्राचीन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष हस्ताक्षर के लिए मूल पन्ने रख लिए और नए पन्नों पर मूल की प्रतिलिपि करके कूर्म पुराण में लगा दिया। तो उन्होंने वो ले ली, मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी बना ली, और जो जितने पन्ने बस वही वाला पोर्शन ले लिया कुर्म पुराण का जिसमें ये मदर सीता के बारे में बताया गया है। और उस टाइम कॉपी करना बहुत कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वो कॉपी करके उसमें रिप्लेस कर दिया, और ओरिजिनल जो पुराण था पुराण के लीव्स ले लिए टू शो टू दैट विप्रा। अब हमें बस 218 तक ही पढ़ना है, सो अबाउट 8 or 9 मोर वर्सेस। एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू रीड? रक्षिता माता जी वॉन्ट टू रीड द लास्ट फ्यू? बस निवान अभी का ना अभी स्कूल से आए हैं बस, सो आई एम जस्ट रीडिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। पूनम माता जी वॉन्ट टू कंटिन्यू? यस माता जी। हाँ चलिए आप पढ़ लीजिए। पत्रलत्र पुनः दक्षिण मथुरा आईला, रामदास विप्र से ही पत्र आने दिला। श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मथुरा मदुरई आए और पूर्व पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी। ठीक लौटकर है, आकर ठीक है, उनके लिए लाए थे ना। हाँ सीता याराध तो वह छाया सीताम जी जीतन सीताम जी जनत ताम जहार दश ग्रीवा सीता वही पुरम गता। परीक्षा समये वह हिम छाया सीता विवेशशा वही सीताम समानीय तत्पुरस्ताद नियता। जब सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया तो वे सीता का माया रूप ले आए और 10 सिरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई। जब भगवान रामचंद्र जी ने सीता के शरीर की परीक्षा ली तो वह माया सीता थी, वो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दी। अब देखो यहाँ पे वाहन वर्ड यूज किया गया है, सोच रही थी कहीं पे था वाहन। देखो एक यहाँ पे, फिर लास्ट सीता वहनी, फिर ये परीक्षा समय। सो वहनी वहनी वर्ड किसके लिए यूज किया गया? अग्निदेव के लिए। तो 4 बार वहनी वहन वर्ड आया, तो इट इज अ वाहन, इट इज अ ट्रांसमिटर। पत्र पात्रा विप्रेरा हैल आनंदित मन प्रभुर चरण धरी करे क्रंदना। रामदास विप्र पूर्व पुराण के मूल पन्ने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत श्री महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोदन करने लगा। वो बहुत खुश हो गया। बहुत खुश हो गया, इसको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने मिल गए, सोचो कुर्म पुराण के। विप्र कहे तुम्ही साक्षात श्री रघुनंदन सन्यासी रविशे मोरे देला दर्शन। पांडुलिपि पाकर रतन प्रसन्न हुए ब्राह्मण ने कहा, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। ये तो माता जी गाकी गाने वाला है। विप्रा कहे तुम्हीं साक्षात श्री रघुनंदाना सन्यासी रावेशे मोरे दिला दर्शन। कि आप तो भगवान रामचंद्र ही हैं, आप तो सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। सो ऐसा काम कि भगवान रामचंद्र ही कर सकते हैं। महा दुख हईते मोरे करीला निस्तारा आजी मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उबारा है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन करें, फिर कृपया मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। से भोजन कितने बजे खिलाएंगे? भोजन के लिए बुला रहे हैं, लंच के लिए। मनो दुखे भाला भिक्षा न दिल से दीने मोर भागे पुनरपि पायलू दर्शन। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सका, अब सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे हैं। तो उस दिन तो ऐसे ही कुछ किया था ना, इधर उधर से जुगाड़ थोड़ा बहुत कुछ करके बड़ी लेट है ना, और महाप्रभु उसको ही ठीक करने में लगे हुए थे, है ना, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था कि अब मैं आपको अच्छे से भोजन कराऊंगा। एत बलि से विप्र सुखे पाक कैला उत्तम प्रकारे प्रभु के भिक्षा कराईला। यह कहकर ब्राह्मण ने सुख पूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। हरि बोल तो बोल यस पढ़ लीजिए।
রাত্রি তাহারাহি তারে কৃপা করি, পাণ্ডয়া দেশে তাম্র পণি গেলা গরহরি। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह रात उस ब्राह्मण के घर बिताई। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश में ताम्रपाणि नदी की ओर यात्रा प्रारंभ की। अरे बोल, गौर हरि श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। सो वेरी नाइस पास्ट टाइम राइट। सोचो महाप्रभु ने उसके घर लंच करने गए, वो बेचारा इतना दुखी बैठा था कि मेरी मदर सीता को ऐसे ले गया वो राक्षस ने, हाथ कैसे लगाया। फिर वो जब साउथ में गए रामेश्वरम, मदुरई से रामेश्वरम सोचो, और वहां पे उनको कूर्म पुराण सुनने को मिला महाप्रभु को, और महाप्रभु ने सुना कि ये वही कहानी सुना रहे हैं जो मैं सुना के आया हूँ विप्रा को। तो उन्होंने वो उसके पन्ने, मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने लेके विप्रा को वापस गए दिखाने कि देखो अब संतुष्ट हो जाओ, अब केयर फ्री हो जाओ कि वो माया सीता थी, वो तुम्हारी मदर सीता नहीं थी। ऐसे कितना महाप्रभुज कंपैशन, एंड आई थॉट वी कंबाइन बोथ राम भक्तास एंड इन द गौर लीलास। और भी आते हैं ऑफकोर्स, मुरारी गुप्ता इज हनुमान राइट, मुरारी गुप्ता जिनकी जिनकी डायरी से श्री कृष्ण चैतन्य सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये लिखी है चैतन्य चरितामृत, जिनकी डायरी से जर्नल से सारे पास्ट टाइम्स लिखे आदि लीला के, है ना। वो मुरारी गुप्ता कौन है? मुरारी गुप्ता तो राम भक्त है ना। फिर इस तरीके से और भी आते हैं, और भी कुछ डिवोटीज आते हैं, लेकिन ये दोनों काफी फेमस हैं। तो इसमें कंपैरिजन मैं ये कह रही थी कि फर्स्ट डिवोटी जो था वो भी राम भक्त था और ये भी, लेकिन पहला डिवोटी के घर में महाप्रभु ने कुछ टाइम स्पेंड किया तो वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगा, उसने राम भजन छोड़ दिया। लेकिन ये तो बहुत इंटेंसली एब्जॉर्ब था, इसलिए तो अपना राम भजन ही करता है ना। तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? इसके घर भी रहे महाप्रभु, उसके घर भी रहे, तो ऐसा क्यों कि उसने राम भजन छोड़ दिया और इसने नहीं छोड़ा? और इसको कहा भी नहीं महाप्रभु ने कुछ ऐसा कि तुम छोड़ दो, ऐसा कुछ कहा भी नहीं। इनफैक्ट उसको और प्रूफ दिया कि हाँ रघुनंदन का करते रहो, रघुनाथ का भजन करते रहो, है ना। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो पहला डिवोटी था वो थोड़ा ही वॉज नॉट एज एब्जॉर्ब इन दैट मूड ऑफ लॉर्ड राम, है ना, जितना जो इस पर्टिकुलर डिवोटी, दिस वॉज लाइक अ प्योर डिवोटी। इसका नाम था रामदास विप्रा। ये रामदास विप्रा जो था ये प्योर डिवोटी था। वो दूसरा जो था वो भजन के लेवल पे या साधना भक्ति के लेवल पे था, बट नॉट प्रेमा भक्ति के। दिस डिवोटी इज ऑन द लेवल ऑफ प्रेमा भक्ति फॉर लॉर्ड राम, है ना। तो जो प्रेमा भक्ति के लेवल पे है, हु इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, यू विल नॉट टेल देम टू चेंज देयर वर्शिपेबल डीटी। इट्स लाइक आस्किंग शबरी या जटायु या हनुमान या विभीषण टू चेंज देयर एलिजियंस टू कृष्णा, इट विल नॉट हैपन। मुरारी गुप्ता कुड नॉट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, जबकि वो महाप्रभु के इंटीमेट एसोसिएट है ना। मुरारी गुप्ता जो है वो बहुत ही पर्सनल एसोसिएट है महाप्रभु के, फिर भी वो हमेशा राम का नाम का भजन करते हैं, वो हरे कृष्णा भजन नहीं कर सकते। तो नहीं किया जा सकता अगर आप उस मूड में हो, है ना। तो ये जो है ये प्रॉपर उस भाव में थे, इमोशन में थे। लेकिन जो पहले वाले भक्त थे वो थोड़ा उनकी ऐसे लोअर लेवल पे थे, उनकी ये टेंडेंसी थी काउंट करने की, एक राम नाम जो है वो 1000 विष्णु नाम के है बराबर है, इसलिए मैं राम नाम कर लेता हूँ। एक कृष्णा नाम जो है वो 3 राम नाम के इक्वल है, इसीलिए मैं कृष्णा नाम कर लेता हूँ। तो ये जो मैथमेटिकल काउंटिंग वाली टेंडेंसी है ये इमोशंस नहीं है। दिस इज लाइक कि मैं क्या क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, है ना, कि ये नाम भजन करने से मेरा ज्यादा फायदा, इसलिए मैं ये नाम भजन करूंगा। नॉट कि भाई मेरा इमोशंस, मेरा मूड, मेरा भाव भगवान राम के लिए है, नॉट लाइक दैट, है ना, बट मैथमेटिकल टेंडेंसी है ना। तो वो थोड़ा लोअर लेवल है, सो दैट्स नॉट दैट्स समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड इजिली। तो इसलिए वो चेंज हो गया, इसलिए वो आराम से बदल गया। लेकिन ये जो है ये प्रेमा भक्ति के लेवल पे है, भाव भक्ति के लेवल पे बहुत एडवांस्ड है, भगवान की लीलाओं में एंटर कर चुका है। सो दिस टाइप ऑफ डिवोटी वुड एक्चुअली एनकरेज एंड लेट देम स्टे इन दैट पर्टिकुलर मूड दे आर सर्विंग द लॉर्ड इन, एंड देयर ऑल विष्णु तत्व, जस्ट देयर मूड अलग है ना, चाहे वो राम हो या नरसिंह हो या कृष्णा हो, महाप्रभु हो,
So they are all, of course, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. But it doesn't mean he, Ram Bhakta needs to change to Krishna Bhakti if they are completely, sold in those mellows of Dasya Bhav to Lord Ram. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. बहुत आई थॉट इट वाज वेरी नाइस पास टाइम्स. कैसा लगा आपको रीड करके? एनी बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू माता जी. हाँ क्वेश्चंस, एनी रियलाइजेशंस? रेखा माता जी, रक्षिता माता जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? आई थॉट विल स्टे इन द राम कॉन्शियसनेस जब तक हमारा फेस्टिवल नहीं होता. माता जी, इट वाज वंडरफुल. आई डिड नॉट नो अबाउट द फायर एस अ वाहन देव, सो या दैट वाज समथिंग न्यू आई लर्न्ड. ठीक है. And about the cooking, like we have to prepare our consciousness, or if we cannot cook at home, if we go out, then we can do the Maha Mantra. Oh yes, mother, you can say some verses. We all typically say some verses from Bhagavad Gita, है ना? You can say पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति भाव नामी प्रत्यत्मना. यू कैन से यत करोषि यद अश्नासी यज जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. यू कैन से यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मा कारणात्. एंड से हरे कृष्णा महामंत्र, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हो 3-4 बार इफ यू डोंट नो द वर्सेस. बट इफ यू डू देन दैट Yeah, I don't बेसिक know the verses. बेसिकली शोज टू द लॉर्ड कि भाई हमें कभी उस प्योर प्लेटफॉर्म पे आना है जब हमें ये सब आने की इंटेंशन हो, डिजायर हो, ना सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हो, कि हमें जरा प्रसाद ही मिले. तो ये आपकी इंटेंशन शो करता है कि अभी हमारे ना इंटेंशन है ना डिजायर्स है, अभी हमें है इंजॉय टेंडेंसीज, हमें खाना खाते हैं ठीक है, लेकिन ये हम चाहते हैं किसी दिन उस लेवल पे आना, और ये जो Yes, फूड madam. इज प्योरिफाई फॉर अस. बट मोर देन दैट, लाइक लॉर्ड राम का आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मूड की जो लॉर्ड राम है उनकी भक्ति बहुत सर्विट्यूड मूड में की जाती है. जैसे कृष्णा की भक्ति माधुर्य भाव में की जाती है ना, लॉर्ड राम की भक्ति सर्वेंट मूड में की जाती है. तो और जब एक बार कोई अटैच हो जाता है भगवान राम के लिए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे यू कैन सी इन दिस रामदास विप्रस केस. और जब कोई बिल्कुल ऐसे अटैच अगर आपको मिलते हैं ऐसे डिवोटीज, यू डोंट नीड टू ऐसे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट और डिविएट देम, दे आर वेरी फर्मली सिचुएटेड एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. रक्षिता माता जी, वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग? माता जी जस्ट अ क्वेश्चन. लाइक वी रेड कि जो कृष्णा, मतलब जो रावण जिन माता को लेके गए था, सीता माता, देयर वाज अ छाया सीता, राइट? टेक्निकली डिड नॉट टच सीता माता, शी वाज विद शिव जी. सो जब अयोध्या सीता माता उनके साथ वापस आई थी, और जब उनको मतलब अपना चेस्टिस्ट क्या बोलते हैं उसको, शी वाज अ चेस्टिस्ट, स्टिल अ चेस्ट लेडी, एंड शी हैड टू डू अपने आप को उनको प्रूव करना था, एंड देन शी हैड टू एंटर इन द फायर. तो वो भी छाया सीता ही गई थी हाँ हाँ कि यही तो वो? बताया था इसमें, ये तो बताया था कि वो शी हैड टू एंटर, नहीं तो स्विच कैसे होंगे वापस. तो हाँ, जो ओके. जो जैसे कि उनको लेके आए ना, हनुमान जी लेकर आए थे अशोक वाटिका में से, कि लॉर्ड राम वॉन्ट्स टू सी यू. तो जब वो आए तो लॉर्ड राम वॉज वेरी कोल्ड टूवर्ड्स हर, वॉज वेरी डिटैच्ड, लाइक है ना, नॉट वेरी लविंग और warm at the time. So, and he said some harsh words actually. He said some harsh words to her. So that time she said कि आपने मुझे इतना harsh बातें बोली हैं कि I will enter into the fire, which will prove my chastity. So, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला था कि तुम अग्नि में enter, but she herself suggested कि I'll enter into the fire. और वो fire बनाई गई, लक्ष्मण ने fire बनाई and she entered into the fire and that was छाया सीता. And again, since अग्निदेव took her पहले, फिर he brought her back. वो स्विच हुआ, that switch happened. बाकी ये तो पास टाइम की बात है, मतलब कहने का मतलब है कि ये तो प्योर डिवोटीज के लेवल की बात है, जैसे क्योंकि दिस रामदास विप्रे इज अ प्योर डिवोटी, तो वो भगवान की लीलाओं को इस तरीके से समझ रहा है. लेकिन जैसे हम लोग हैं, या हमसे भी जो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लोग हैं जो साधना भक्ति भी नहीं करते, उनके लेवल पर भी ये बात समझाई जाती है कि अगर अग्नि परीक्षा हुई भी तो क्यों हुई, है ना? इट्स नॉट दैट हाँ लॉर्ड राम हैज हैज
मतलब प्रॉपरली प्लान्ड पास्ट टाइम पूरा ड्रामा सेट है, इवन रावण इज जय विजय है ना, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना रावण को पोर्ट्रे करते हैं कि वो प्योर डिवोटी है, तो वो भी प्योर डिवोटी, वो जय या विजय में से एक है राइट, तो वो तो हाँ डिवोटी के लेवल की बात है कि वो जय विजय है, लेकिन हाँ हमारे लेवल पे तो हमें सिर्फ लेसन समझने होते हैं ना कि रावण इतना दुष्ट। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था माता जी कि अगर हम इसको, और ऑनेस्टली जैसे मैं भी अभी रीड कर रही हूँ ना, तो बिकॉज हम लोग इस लेवल पे नहीं है, लॉजिकल से लगता है कि अरे अब छाया सीता को, अच्छा फिर ये हुआ ही क्यों, मतलब उसको समझने के लिए ऐसा लगता है कि व्हाई लाइक दिस, व्हाई लाइक दिस, ओके मे बी इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ऑल दैट स्टफ राइट। बट जब आप ये देखते हो कि, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम पास टाइम्स अपनी अपने लेवल और अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं, उनमें से हमें सिर्फ उनके मैसेजेस को सीखना चाहिए, ना कि ये जज करना शुरू कर देना चाहिए कि ये मतलब छाया सीता चली गई, वो चली गई, ओरिजिनल क्यों नहीं गई राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप किसी नॉर्मल किसी को बोलोगे तो वो बोलेगा, पूछ लेगा कि अच्छा लग नहीं रहा है कि ये कुछ मेकअप स्टोरी है हाँ, राइट, तो मेकअप ही है ऑफ कोर्स, इट इज ऑल भगवान ने बनाई है कहानी ना, है ना। भगवान ने हाँ कैसी कहानी बनाई है जिसमें आप पूरा रिलिश कर सको, तरह तरह के इमोशंस, तरह तरह के, जैसे कि अब ये विप्रा जो है ये सॉरो फील कर रहा है ना, आपको सॉरो फील हाँ करनी है, आपको ये सेपरेशन फील करनी है, आपको ये क्रोध फील करना है रावण एंड रावण जैसे लोगों पे, है ना, एंगर फील करनी है, असली में क्या हुआ वो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको लेसन सीखने हैं और आपको लेस इमोशन फील करने हैं, ये बात हमने उस दिन भी की थी, आपको इमोशंस फील करने हैं और आपको लेसन सीखने हैं, ठीक है। तो माता जी अग्नि परीक्षा क्यों हुई, मान लो अगर हम ऑर्डिनरी लेवल पे भी देखें, उसकी बहुत लंबी वो बात है, वो भी नहीं करेंगे, बहुत लंबी बातें हैं और वो बहुत अगेन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड्स मूड, तो भगवान का जो मूड है दो लाइनों में बस बात ये समझने की है कि भगवान जब राम की तरह आते हैं तो उनका मूड है एज अ किंग, ही इज किंग थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट अ किंग, तो क्योंकि वो राजा हैं तो उनका राज राजसी वो बनता है, ही इज लाइक द ही हैज टू प्रूव द चैस्टिटी ऑफ मदर सीता, ठीक है ना, यस, सो दैट तो इट बिकम्स अ रूल फॉर द फ्यूचर दैट अ वुमेन कैन नॉट गो हेयर एंड देयर एंड देन यस कम बैक राइट। हाँ, तो इट इज नहीं, एंड ऑल्सो क्या होता है कि कई बार दो धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, अर्जुन को भी हुआ था अपने धर्म के बीच में कि मैं युद्ध करूं या फिर अपने फैमिली का ध्यान रखूं, दो धर्म है, फैमिली का ध्यान रखना या युद्ध करना, तो क्योंकि उसका धर्म एज ए वॉरियर बड़ा बनता था इसलिए उसको वो धर्म करने को बोला गया है ना, लेकिन मैं हूं, अब मैं कहूँ मैं फाइट करने, कोई गलत लोग आ जाए मैं उनसे फाइट करने लग जाऊं, नहीं, मुझे तो भागना ही बनता है राइट, क्योंकि मेरा धर्म धर्म नहीं है, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं फाइट नहीं कर सकती है ना, तो मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके है ना, वेल दैट्स जब धर्म संकट होता है, जब दो धर्मों के बीच में, तो एक धर्म सुपीरियर होता है एक धर्म इंफीरियर होता है, तो उनका एक पति धर्म बनता था जिसके हिसाब से उनको मदर सीता को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज सच है ना, लव एंड केयर टू हर बिकॉज शी हैज सफर्ड सो मच इन सेपरेशन, और उस पति धर्म की वजह से ही उन्होंने इतना सेतु बनाया था, वहां आए थे सब, लेकिन फिर उनका राजा धर्म था जिसके हिसाब से जो रूलर है, नॉट ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है माता जी, ये ऑर्डिनरी लोगों का नहीं है, जो आपने पॉइंट बोला ना कि दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर, वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात राजा की है कि राजा पे पूरा फेथ होना चाहिए जनता को कि उनके कैरेक्टर पे, उनका व्हाइट शीट की तरह कैरेक्टर होना चाहिए जिसपे अगर एक काला दाग भी होगा तो दिखाई देगा, तो उनका राजा धर्म और पति धर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उस टाइम, उसमें से उन्होंने राजा धर्म को चुना, ठीक है, कि मेरे मैं ये प्रूव कर दूंगा चेस्टिटी ऑफ सीता, ताकि ये जो काला दाग मेरे व्हाइट चादर पे है वो नहीं हो, नहीं तो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे मेरे राज्य को, मेरे रूल को, ठीक है, मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सो ये राजा धर्म और पति धर्म के बीच में संकट है जिसमें से उन्होंने राजा धर्म को चुना है, ठीक है, ये बात वाह हमको समझनी चाहिए, लेकिन अगर कोई रेगुलर हाउस होल्डर है, ठीक है, ही हैज नथिंग टू प्रूव टू द अदर पीपल, टू राजा हैज टू पब्लिक या प्रूव टू द अदर पीपल, यू अंडरस्टैंड, यस अदरवाइज राजाज रूल यस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, रेगुलर पीपल नीड नॉट कि भाई मेरी वाइफ को कोई ले गया किडनैप करके, अगर उसको बचा के लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको भी उसको अग्नि परीक्षा में डालना है, नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव, यू आर नॉट लीडिंग अ कंट्री या वो हाँ राइट, तो यू हैव नथिंग टू प्रूव टू अदर पीपल, यू आर नॉट द लीडर, यू आर नॉट द अथॉरिटी ओवर अदर पीपल, या तो ये बात ऑर्डिनरी लोगों पे अप्लाई नहीं होती,
चीजें जो है ये लोग समझते नहीं है, अपने ऊपर लेने लग जाते हैं, बट ही हैज अ डिफरेंट रूल, डिफरेंट रोल. ही इज कमिंग इन द रोल ऑफ अ किंग इन दिस पर्टिकुलर इनकार्नेशन. यस, He's throughout that situated in that role very firmly. तो थ्रू हिज लाइक दीज लीलाज बेसिकली जो हमारे लड़ने के लिए करने के लिए है, दैट सेवा हो तो हनुमान जैसी, राइट? और अगर आपका त्याग हो तो लक्ष्मण जैसा, उर्मिला जैसा, राइट? और आपकी अगर अपने नॉट लाइक कलयुग के हिसाब से, बट इफ यू आर कमिटेड टू समबडी एंड यू आर मैरिड टू देम, तो आपकी कमिटमेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हमेशा के लिए होनी चाहिए, राइट? और इस तरीके से हम इन पास टाइम से डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स हमें मिलती है बेसिकली, ये दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर, एंड दैट इज व्हाई लॉर्ड राम टुक अपियरेंस एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम थ्रू, राइट. राइट? या ही इज एस्टैब्लिशिंग द हाईएस्ट कॉन्डक्ट. अच्छा, एक पॉइंट और आता है माता जी इसमें, कि जो लॉर्ड राम है वो अपने में और सीता में कोई अंतर नहीं देखते. तो जब वो हाँ सीता अपनी परीक्षा में डाल रहे हैं, या जब वो उनको भेज दिया था आगे बाद में वाल्मीकि के आश्रम में रहने, तो ही इज डूइंग दैट विद ग्रेट एंग्विश, विद ग्रेट पेन इन हिज हार्ट. इट्स लाइक किसी ने आपका अंग काट दिया हो, समझ रहे हो. दिस इज लाइक हिज सैक्रिफाइस फॉर पीपल. इट्स नॉट कि उन्होंने उसको भेज दिया और किसी और से विवाह कर लिया, या वो है ना, समझ रहे हो. तो जो ऐसे दुनिया के जो कामी पुरुष हैं, दुनिया के जो इस तरीके के लोग हैं, वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल आर नॉट लिविंग टुगेदर एज वन यूनिट, कि भाई मैं और मेरा जो स्पाउस है वो इनसेपरेबल है, ऐसा भाव नहीं है उनका, है ना. तो दैट कैन नॉट बी अडॉप्टेड एज सच बाय अदर पीपल, कि किसी ने आपके क्योंकि आपकी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कष्ट आ रहा है, सीता को भेज के सीता को कष्ट नहीं है, मेरे ऊपर कष्ट है, मुझे अब सीता के बिना रहना पड़ेगा इतने टाइम. तो सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू अंडरस्टैंड, कि दे आर वन एंड द सेम. सो वेन ही सेटिंग सेंडिंग हर अवे और पुटिंग हर गोइंग शी इज गोइंग थ्रू अग्नि परीक्षा, ही इज द वन हु सफरिंग, बिकॉज शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम, शी इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिम. ठीक है, ये वाली एक भी एक पॉइंट समझने की बात है थोड़ी, कि वो अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं. ये ऐसा नहीं, जैसे कि आजकल तो हम दूसरे अलग समझते हैं कि उसको कष्ट दे रहा है कोई, जैसे लेडीज अपने आपको अपने पति से अलग समझ रही हैं, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मेरे को कष्ट दे रहा है ये, ऐसा नहीं है. इन दैट केस ही इज मोर एंग्विश्ड, ही इज सफरिंग मोर देन हर एक्चुअली बाय मेकिंग दैट डिसीजन. सो सम ऑफ द दिस इज जस्ट वेरी वेरी सुपरफिशियल ब्रीफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट I mainly wanted you to enjoy some Ram Leela through Lord Gauranga's And eyes. I really like that point which you mentioned that कि एक एक डिवोटी के ऊपर कितना कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है, द वन जिसका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन हो, राइट? कि लॉर्ड राम लाइक उन्होंने खाना बनाया, बट पहले क्योंकि वो इतनी ज्यादा एग्नी में थे, इतने ज्यादा एंगर में थे कि वो किसी चीज में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि मेरा तो दिमाग कहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और उससे हो सकता है कि उनका राम भजन भी डिस्टर्ब हो रहा हो, बट भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको मैन्यूस्क्रिप्ट दिखा के बताया कि यू कंप्लीटली बी अब्सॉर्ब्ड इन दिस, यू डोंट हैव टू फील एनीथिंग, तो काइंड ऑफ उनको एक पूरा सोर्स दे दिया उन्होंने कि सो दैट ही कैन फील सैटिस्फाइड एंड काम इन हिज हार्ट, एंड द रिजल्ट इज नाउ ही इज चैंटिंग हैप्पीली द नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड टॉप ऑफ दैट नाउ ही इज फीडिंग हिम विथ सो मच लव, बिकॉज नाउ उनको लग रहा है कि मेरे को मेरे भगवान से मिलाने के लिए ही केम, सो ही से आप खुद ही राम हो. कहते हैं ना, जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है और उसमें कोई इंसान आता है, तो हम हमेशा से सुनते आए ना कि हमेशा बोलते थे कि ये भगवान का ही रूप है, ये भगवान का है जो तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने आया. तो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, आई रियली लाइक इट माधव. यस माता जी. या इवन वी सी दैट इन लॉर्ड राम्स पास टाइम्स, कि वो कोई छोटा मोटा डिवोटी भी है, जैसे केवट हो गया, या कोई जैसे नॉट छोटा मोटा बट जैसे कोई इधर उधर मिला, केवट से ही केम एंड रेसिप्रोकेटेड अगेन. किसी दिन केवट का पास टाइम भी करेंगे पूरा. देन गुहा हो गया, शबरी हो गई, है ना, पूरा उनके साथ फुल एक फुल ऑन एक्सचेंज, फुल ऑन एक्सचेंज हो रहा है. इसी तरीके से इवन जैसे एक छोटी सी स्क्विरल भी है ना, जब राम सेतु बना रहे थे. सो मेनी ऐसे डिवोटीज जो माइन्यूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं
उनसे भी लॉर्ड रेसिप्रोकेट करते। केवट के साथ बिल्कुल ऐसी बात हुई थी जो भी गौरंगा ने किया ना, कि वापस आए थे भगवान, कि उसने बोला था कि आप वापस जब आओगे तो मेरी नाव में ही बैठ के वापस जाना। तो महाप्रभु ये भगवान राम ने बोला था हाँ मैं आऊंगा, तो वापस भी आए थे, तो उसी नाव में बैठ के वापस गए थे। सो एवरीबडी यू नो लॉर्ड राम, सो लॉर्ड राम, गौरांगा, महाप्रभु कृष्णा, दे आर वेरी मर्सीफुल, दे आर वॉचिंग एवरी लिटिल सर्विस दैट वी डू, एंड दे आर वेरी मतलब थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर दैट लिटिल सर्विस। तो सोचिए कि अगर आप बड़ी सर्विसेज करते हैं तो कितना वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, बट इवन छोटी छोटी सर्विसेज में भी वो पूरी रेसिप्रोकेशन करते हैं, एज यू कैन सी। चलिए स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल कीप रीडिंग चैतन्य चरितामृत गोइंग फॉरवर्ड। मांचा कल तो रुबिष्ट कृपा सिंधु वे वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द माता जी, व्हेन यू डू द शबरी एंड